हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़, स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। गाइज, अभी टिकटॉक और उसके साथ 58 और चाइनीज ऐप को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया, लेकिन जो 58 ऐप जो हैं उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। खासकर बात हो रही टिकटॉक की, क्योंकि टिकटॉक पर जो टिकटॉकर्स हैं उनके अलग अलग ही लॉजिक चल रहे हैं, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, अलग अलग बातें करें, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर लोग जो हैं छोटे छोटे बच्चे ही, मान लो 16-17-18 साल से तक के, जिनमें मेच्योरिटी लेवल ज़ीरो है, वो लोग ज़्यादातर उस चीज़ का क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। इसलिए मुझे थोड़ा वीडियो बनाना पड़ा, सोचना पड़ा कि नहीं भाई इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है हमारे देश का जो यूथ है वो किस तरफ जा रहा है और कैसे जा रहा है और उसकी क्या थिंकिंग हो रही है, क्या उसकी मेंटेलिटी है इन सब चीज़ों को लेके। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम भी वीडियो बना ही लेते हैं, लेकिन उसके पहले आप इन बेचारों को देखें कि ये क्या तरीके से क्या बोल रहे हैं। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहे हैं, चाहे मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से कितरो एप्स मैं डाउनलोड नहीं। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना वो मुझसे दूर हो जाता है। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना वो मुझसे दूर हो जाता है। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है, बिजनेस में सुना है पर हो रही है। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे दैट टिकटॉक बंद हो रहा है, एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं दैट टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूँ। तो ये मुझे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर, तो व्हाट इज दिस। तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा, अभी इससे क्या हो जाएगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग है जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स, तो व्हाट इज दिस, मतलब अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, तो ठीक है डन है। तो बेसिकली ये है कि जो टिकटॉक को जो बैन किया गया है वो इसलिए बैन किया गया है क्योंकि, और जो बाकी जो 58 ऐप हैं उनमें ना डेटा जो चोरी का उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा, एक एलिगेशन है कि ये लोग क्या करते हैं, हमारा जो इंडियन जितने भी हम लोग यूज़र हैं उन सभी का डेटा जो होता है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट जो होती है इनकी, चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ ये शेयर करते हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट उसका यूज़ वो हमारे ख़िलाफ़ इंडिया के ख़िलाफ़ जैसे भी करता है उसका यूज़ करता है, तो इसलिए उनको बैन किया गया। जितनी भी ऐप होती हैं अगर उसमें हमारा डेटा जो होता है अगर वो सिक्योर्ड नहीं होता तो उन पर बैन लग सकता है, क्योंकि वो जो है आईटी एक्ट 2000 का वॉयलेशन करती हैं, तो इसलिए अगर कोई वॉयलेट करता है तो ऑब्वियसली बात है अगर वहाँ कोई हमारी प्राइवेसी के साथ खेलेगा तो उस पर बैन लगना स्वाभाविक है और ज़रूरी है। अब ये होता है मेन रीज़न, लेकिन लोगों का मानना है कि टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक सरकार ने जानबूझ के बैन किया, अगर टिकटॉक बैन किया है तो और भी तो चाइनीज़ प्रोडक्ट है उनको क्यों बैन नहीं कर रहे हैं, मोबाइल भी तो मेरा चाइना का ही है उसको फेंको, मेरी टीवी चाइना की, ये चाइना वो चाइना ऐसा वैसा दुनिया हज़ार तरह की चीज़ें। देखो भाई ऐसा है, जो 59 ऐप को बैन किया गया उनसे गवर्नमेंट को और हमें दुनिया भर में किसी को कोई नुकसान नहीं है, चाइना कोई नुकसान होगा, इंडिया कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बाकी चीज़ों को बैन करते हैं तो उससे और भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे बिजनेस व्यापार दस्त हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी जो हैं उन सबका भी नुकसान हो सकता है, और बिल्कुल होगा ही, ये बिल्कुल सही है। अगर उसको हमें बैन करना है तो हम ये कर सकते हैं कि हमें चाइना का प्रोडक्ट परचेस ही नहीं करना है, गवर्नमेंट भले से ही कितनी भी चीज़ लाती रहे लेकिन हमें परचेस ही नहीं करना है, लेकिन अगर आप परचेस करते हैं तो इसमें अगर आप परचेस कर चुके हो उसका तो अमाउंट चला गया हो गवर्नमेंट के पास, चाइनीज़ के पास है, चाइना के पास, जो भी आप कहें। और इसमें ये है कि जो चीज़ हमारा वो डेटा सिक्योर्ड है वो चीज़ों में हमारा डेटा नहीं लग रहा है, अगर आप एक फुटपाथ से या कहीं से भी एक चाइना का कप खरीदते हो कुछ भी खरीदते हो तो उसमें हमारा डेटा नहीं जा रहा है,
समझ में आ रही बात, जो टिकटॉक और 15 जो वहाँ की 58 ऐप को बैन किया गया है वो डेटा सिक्योरिटी की वजह से बैन किया गया है, इसलिए बैन नहीं किया कि वो चाइनीज़ थे, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वो सिर्फ इसलिए बैन किए गए हैं क्योंकि उनमें डेटा सिक्योरिटी के इशू आ रहे थे और वो चाइना को सरकार को हेल्प कर रहे थे। अगर आप कोई कप खरीदते हैं, कोई फालतू की चीज़ खरीदते हैं, चाइना का जितना भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उनमें अगर आपका डेटा सिक्योर है, आपका अगर आप कोई छोटी सी चीज़ खरीद लेंगे और उसमें आपका जो आप चाकू खरीदेंगे चाइना के, क्या उससे आपका डेटा चला जाएगा? ऑब्वियस नहीं जाएगा। लेकिन आप कंप्यूटर खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो कंपनी भी अगर वो वॉलेट करेंगी तो उनको भी बैन करना, बिल्कुल सिंपल ही बात है, उनको भी बैन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज़ें। और रही बात आप मेंटेलिटी की, देखिएगा कि मैं खुद टिकटॉक पे था और मेरे भी अच्छे खासे फॉलोवर थे और मैं भी, लेकिन मैं ये फालतू का ये लिप सिंक करना और ये सब चीज़ें मैं नहीं करता था, ना ही मेरे को एक्टिंग आती और ना ही मैं सीखना चाहता हूँ और ना ही मैं कराना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वो करियर नहीं, मैं एज अ टीचर ही टिकटॉक पे था और मैं एज अ टीचर वहाँ भी टीचिंग ही कर रहा था। अब टिकटॉक का बैन सही मायने से कहा जाए तो मैं इसके बिल्कुल समर्थन में हूँ, पैसे ही हमेशा से, क्योंकि नेशन फर्स्ट है हमारे लिए, लेकिन फिर भी अगर टिकटॉक वैसे भी बैन होता तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि टिकटॉक जो है इसमें हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं एक्टर बन जाऊँगा, मैं फेमस हो जाऊँगा, मैं यहाँ चला जाऊँगा, मैं बॉलीवुड में ऐशो आराम होगी, फेम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन टिकटॉक के 10 करोड़ यूज़र हैं, टोटल 10 करोड़ यूज़र, उनमें से कितने फेमस होंगे? 1,000, 2,000, 10,000, और वो लोग भी वो फेमस हैं जो ऑलरेडी थिएटर करते थे या कोई सीरियल करते थे या छोटे मोटे जॉब जो रोल करते थे, और वो एज ए एक्टर ही काम कर रहे हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते ही थे, ऐसा नहीं है घर में उठे और बने और बन गए। इनमें से कोई 2 या 4 एग्जाम्पल ही होंगे जो ऐसे फेमस हो गए होंगे, इसके अलावा वहाँ के जितने भी लोग हैं, आप चाहे जितने भी ऑफ लिस्ट उठा के देख लो, उनमें सब लोग कहीं ना कहीं एक्टिंग से ही जुड़े हुए थे पहले से ही। अगर जो फेमस वहाँ के 8-10 लोग होंगे जो ऐसे ही फेमस हो गए होंगे, वो एक अलग बात होती है, क्योंकि देखो हर ऐप को प्लेटफॉर्म को अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ करना ही होता है। उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी थी कि मोटिवेशनल स्टोरी होना, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होना, स्टोरी टेलर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर भी हैं उस पर, और ये उसमें कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी यहाँ पर है कि आप भी एक्टर बनने चले हो, पूरे घर के घर लगे हुए हैं यार, पूरा खानदान लगा हुआ है, 5th क्लास में बच्चा वो भी लगा है, जो फाइनल ईयर में बच्चा वो पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी, काम धंधा सब छोड़ दिए, इसी में लग गए। ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे आप पॉपुलर हो गए, आप फेमस हो गए, आपको अमाउंट, टिकटॉक कोई अमाउंट नहीं देता, मैं खुद हूँ टिकटॉक पर, मेरा अच्छे खासे फॉलोवर है, मेरे को टिकटॉक ने 1 रुपये भी नहीं दिया, आपको रुपये मिलता है स्पॉन्सरशिप से, टिकटॉक रुपये नहीं देता है, बस फालतू आप टिकटॉक ले दिन ना रात काम करें, टिकटॉक आपको 0 रुपये दे रहा था, अभी कोई वैल्यू नहीं है। लोग वीडियो डाल रहे हैं कि मैंने टिकटॉक पे 1,000 वीडियो बना दी, मेरे पे 2,000 व्यू नहीं है, लोग मेरी वीडियो नहीं देखते, लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, लोग को दुख हो रहा था कि मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा। अरे भाई मेरे, पढ़ाई कर ले, 10th का पेपर दे ले, 12th कर ले, अगर तुझे वाकई में एक्टर बनना है तो एक्टिंग सीख ले पहले। और इसके अलावा भी दुनिया में और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनमें आप अपना टैलेंट शो कर सकते हो, और अगर आप एज एक एक्टर बनना भी चाहते हो तो आप टिकटॉक को एक एज ऐप ही लो ना, आप क्यों उसको दिन ना रात उसी में ही लगे हो, उसकी वजह से हमने पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, उसी में लगे हो, ये चीज़ गलत थी। आपको एक्टिंग करनी कोई मना नहीं, आप एक्टिंग करें टिकटॉक पर ही करें, टिकटॉक चलता है, लेकिन आप टिकटॉक को ज़िंदगी समझ ली कि टिकटॉक अब जो कुछ भी है मेरा यही है, टिकटॉक ही है, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान होगा, 1 साल 2 साल 3 साल आप करोगे फिर क्या होगा, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आपको एक्टर बनना है, आप 2 वीडियो बनाओ 3 वीडियो बनाओ ख़त्म करो, आप दिन ना रात 15-15, 20-20 वीडियो, 50-50 वीडियो बना रहे हो, क्योंकि आपके फेवरेट टिकटॉकर ने बोल दिया कि मैं दिन में 25 वीडियो बनाता हूँ। अरे भाई वो बनाता है क्योंकि उसका काम ही वो ही है, अब वो फेमस हो चुका है, उसके 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन सब्सक्राइब फॉलोवर हो गए, आपके कितने 1,000 2,000 3,000 100 200, वो भी लोगों से करवा रहे हो, रो रहे हो, भीख मांग रहे हो, मेरे लाइक करो, मेरी वीडियो देखो। अरे आप में टैलेंट है, अगर टैलेंटेड वीडियो बनाओगे, अच्छी क्रिएटिव वीडियो बनाओगे तो लोग वैसे भी देख लेंगे यार, डिप्रेशन में जा रहे हो, फालतू की चीज़ें करो, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बाकी और भी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन आप दिन ना रात टिकटॉक में लगे, पूरी फैमिली लगी हुई है यार, साला 10 मेंबर है, 10 ही मेंबर टिकटॉक में दिन ना रात लगे हुए, कुछ नहीं बस टिकटॉक, ये जो एक आदत बना ली थी कि दिन ना रात वाली, वो चीज़ गलत थी, ये सब चीज़ें गलत हैं। ये अभी भी अगर टिकटॉक पे बैन, मैं तो कह रहा हूँ हटे ही नहीं, अगर हट भी गया तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे दिन ना रात उसी में लगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप अभी भी जो लोग कर रहे हैं इंडियन ऐप, अरे उनमें भी क्यों जाना है यार आपको, और अगर ज्वाइन भी करना है उनमें तो करो, फालतू का कचरा छोड़ो, आप यूट्यूब पर फेसबुक दुनिया में फेमस हो सकते हो यार, यूट्यूब पे हो सकते हो, फेसबुक पे हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो, यही मोबाइल के वीडियो से, कोई तुम्हें वो नहीं, शॉर्ट वीडियो बना बना के, और अब तो ये ट्रेंड हो गया है, हर जगह डाल सकते हो, लेकिन तुम्हें वही ऐप चुननी है, वही वहीं जाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है यार।
ये ऐप चुनना है वो, अरे क्यों जाना है फालतू के झंझटों में, क्यों पढ़ना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ, मुझे दुख होता है यार। मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, टेंथ वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, ट्वेल्थ वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, वो लोग पढ़ाई पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, बस लगे हैं टिकटॉक में दिन रात। अरे ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है, आपको टॉपिक दिया गया क्या लर्न करना है, क्या बर्न करना है, वो सब गया भाड़ में। ट्रेंड चल रहा है, लोग लोगों की फैमिली की फैमिली, अरे भाई जो एक्टर हैं वो वहाँ पे, बहुत सारे एक्टर भी आ गए वहाँ पे, तो जो जिन्होंने हज़ारों लाखों करोड़ों फिल्में कर ली, वो लोग तक आए जिन्होंने इतना सारा पैसा कमा लिया, वो लोग सब आपको एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, आप भी एंटरटेन होइए। ख़त्म होइए, एंटरटेन होना एक अलग बात होती है। आप उसकी लत लगा के बैठो, वीडियो बनानी हमें, 20-20 वीडियो बनानी, 30-30 वीडियो बनानी, ये करना है वो करना है, पागल लोग लाइकों के लिए मर रहे हैं, व्यू नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये क्यों है, ये नहीं होना चाहिए। इससे आप डिप्रेशन में जाओगे, आप अपने आप आपको अपना वो हारा हुआ महसूस करोगे, ये नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ ठीक है, देखिए टिकटॉक का जो बैन होना लोगों के लिए कितना दुख, हर कुछ सोच बना के रखें, मोदी ऐसा या इंडियन गवर्नमेंट ऐसी या कोई भी ऐसा, अरे उससे हमें यार इंडिया हमें हमारे गवर्नमेंट में इतने लोग इतने मूर्ख व्यक्ति बैठे हुए हैं कि मतलब उनने आपको सोचना नहीं। ऑब्वियसली बात है, टिकटॉक या जितनी भी चाइनीज़ ऐप, उसमें कहा गया है कि 2000+ एम्प्लॉइज़ काम करते, तो ऑब्वियसली बात है उनकी जॉब गई, उनकी जॉब खतरे में, ये एक दुख की बात है। और बहुत सारे जो लोग तो उनको भी टैलेंट, उनका भी टैलेंट आगे बढ़ा, और सबका टैलेंट आगे बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने उसको लत लगा ली थी टिकटॉक की, दिन रात बस कुछ नहीं है, बस टिकटॉक की। अरे यार मैं कहता हूँ कि यूट्यूब को आप फुल टाइम मत समझो, YouTube पे जब तक आपको 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं होते हैं, आप कभी भी YouTube को फुल टाइम, मतलब कोई भी व्यक्ति आप कितने बड़े फेमस यूट्यूबर से पूछ लें कि भैया मैं जॉब छोड़ के मैं YouTube पे सिर्फ काम करूं, तो वो आपको सीधा मना करेगा। बल्कि YouTube पे तो पैसा भी मिलता है, लेकिन इतना पैसा नहीं मिलता है कि आप घर चला लोगे, और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आप 1 मिलियन आने के बाद भी आप अच्छा खासा कमा लोगे, आपके घर में अच्छा खासा दे लोगे। आप कितने आप टेक्निकल गुरुजी से तक अगर वो उनसे पूछा जाए ना कि भाई आप बताएं कि मैं अपना एक मैं एज अ यूट्यूबर अपना करियर स्टार्ट करूं क्या, वो सामने वाला सीधे से मना करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप इसे पार्ट टाइम लो और जॉब भी करो, जो काम करो वो भी करो, और इसको सिर्फ एक दो घंटे ही दो, ऐसा ही आपको करना है। तो वो ही चीज़ है, तो आप मतलब कहने की बात सीधी सी ये है कि ये जो ऑनलाइन ऐप है उनको आपको बिल्कुल लत नहीं लगाना, उन्हें एज अ करियर एज अ लाइफ, वो सिर्फ एज अ लाइफ नहीं बना, लाइफ का एक पार्ट, एक छोटा मोटा, जैसे आप वीडियो देखते हैं या बनाते हैं, आप बनाए वीडियो कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप इसके लिए नहीं, आपके मन में बेचैनी कि नहीं मेरे को तो व्यू नहीं आ रहा है, मेरे को फेमस होना है, पहले सीख तो लिप सिंक करके आप बॉलीवुड में नहीं जा सकते, समझो यार बात को, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और भी टिकटॉक के अलावा आपका वीगो वीडियो था, लाइकी था, यू वीडियो था, वी मेट था, कितनी सारी वीडियो थी, और ये सब इनने इनके पास पैसा बहुत था, इन्होंने इतना फेमस पॉपुलर करा दिया, हर जगह डाल दिया, ये हुआ वो है, यहाँ से ऐड वहाँ से ऐड, यहाँ से लोगों को फेमस, और ये फेमस हो रहा है वो फेमस हो रहा है, सबके अंदर आ रही चीज़ें, इससे कुछ नहीं होता, ये सब बेफालतू की चीज़ें, बेमतलब की चीज़ है, ये अपनी फालतू की जो 8-10-15-20 जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि फालतू में टिकटॉक बैन कर दिए, बेरोजगारी बढ़ गई, अरे भाई बेरोजगारी तो पहले से थी, तुम्हें नहीं लग रहा तुम बेरोजगार हो, टिकटॉक ने तुम्हें रोजगार दिया है क्या, वीडियो दिन रात तुम बिजी हो, दिन रात बिजी हो गए भैया मैं वीडियो बना रहा हूँ वीडियो, ऐसा तुम्हें रोजगार मिल गया, क्या मिला रोजगार, बेरोजगारी तो पहले से ही, भाई बेरोजगारी तो बढ़ेगी जब तक आप अपने खुद के स्किल्स पे वर्क करो, स्किल पे वर्क करो, आप कुछ ना कुछ अपने से करो, टिकटॉक से आपको रोजगार मिल रहा है। और एक वो कह रही है कि मैं जिसको भी अपने मन से चाहा है मैंने, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो टिकटॉक ही, अरे भाई कहाँ के इमोशंस कहाँ फिट कर रहे हो, मतलब अपनी लाइफ के जो इमोशंस है कि मैंने जिसको भी चाहा वो मेरी लाइफ से, भाई ये कितने साल की हो जाते, सर 14-15 साल की होगी, उसकी मेंटेलिटी देखो, कहीं ना कहीं देखो कि लोग दिमाग से पीड़ित हो रहे हैं, सोच ही नहीं है, वो हाई फाई वाली सोच ही नहीं है। आप अगर ये चाइना, यही जो चाइना है ना, इसके चाइना के जो बच्चे हैं उनकी सोच रहती है कि उन्हें कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ स्किलफुल करना है, कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ इन्वेंशन करना है, उनकी ये सोच रहती है, ये सोच नहीं रहती कि मैंने ये मेरे बैन टेप ऐप बैन कर दिया तब मैं क्या करूँगा, और मैं जिसको दिल से चाहा वही चला गया, ये फालतू की चीज़ें यार, सोचो कुछ, हमें कुछ अच्छा करना है, पढ़ाई लिखाई हो, चाहे इन्वेंशन में हो, चाहे स्किल्स में हो, चाहे वो एक्टिव हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो यार, हमारी सोच तो हाई रखो, ऊपर रखो, कहाँ ये लगे हुए फालतू की, ये इसमें 2-4-15 सेकंड के वीडियो में आपका फेमस पॉपुलर होगा तो इससे क्या हो जाएगा भाई, आपके 1 मिलियन 10 मिलियन फॉलोवर सब्सक्राइबर हो भी गए तो उससे क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला टिकटॉक पे। मेहनत आप उसमें करो, 1 घंटा दो उसको, 2 घंटे दो, इससे ज़्यादा मत दो, 24 घंटे मत दो, और पूरी फैमिली को इंक्लूड मत करो उसमें, जो छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल चाहे उनको पढ़ने दो यार, उनको खेलने कूदने दो, उनको वीडियो में मत घुसाओ, उनको खेलने दो कूदने दो, उनको क्रिएटिव करो, उनको जितना खेल सकें खेले कूदें, पढ़ाई करें ऐश करें यार, उनके दिमाग पे लोड क्यों, कैमरे का लोड क्यों डाल रहे हो,
पेरेंट्स को समझना चाहिए यार, लो लो उठाया बच्चा रो रहा है उसको टिकटॉक खोल के दे दिया। अरे मैं प्ले स्कूल रन करता हूँ, उसमें प्ले स्कूल में यार पीजी का बच्चा, जो 3 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है, उसको चाहिए कि वो टिकटॉक चलाना है, मुझे टिकटॉक खोल खोल के चला, क्योंकि इसमें गलती पेरेंट्स की है। वो रो या कुछ भी हो, उसको मोबाइल खोल के दे, वो वीडियो देख रहा है, हद होती है उससे। आप उसको कैसी लत लगा रहे हो यार, उसकी आंखें खराब हो जाने, उसको खेलने कूदने दो, उसको आपको देना है मोबाइल क्यों दे रहा है, उसको हाथ में खिलौने दो। मैं पढ़ने का भी नहीं कह रहा, एक बचपन होता है उसको अच्छे से जीने तो दो, उसको टिकटॉक की वीडियो देखनी, इसमें पेरेंट्स की गलती है, उनको कुछ नहीं करना, क्या करें, बस दे दो ये, ताकि बस काम खत्म, बच्चे को दे मोबाइल में, देना रात बिजी हो गया अपन, ऐसे ऐसी कराओ, उसके वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, ये फालतू की चीज़ें तो मत करो यार, चीज़ों को समझो। पेरेंट्स को ध्यान रखना है इस चीज़ में, बच्चों को जो 15-16 साल की जो निम्मा निम्मी है ना, इनको भी समझना चाहिए यार, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। आपको एक्टिंग करनी है, आप 1 घंटे दो, 2 घंटे दो, और आप एक्टिंग कोई क्लास ज्वाइन करो और अच्छी जगह करो। लिप सिंक करने से कुछ नहीं होता है, लिप सिंक से क्या हो जाएगा, डब स्मैश भी था पहले, दुनिया की चीज़ें हैं, लिप सिंक से एक्टर बनने चले। अरे भाई मेरे, ये जो लोग हैं, वो एक मॉस्को भाई जो मॉस्को से आए थे, अबे डॉक्टर बनने के लिए नीट क्लियर करना पड़ता है, डोनेशन 60-70 लाख हर कोई नहीं देता, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पता नहीं है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पता है, अगर मेडिकल की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे आगे है हमारा मेडिकल का, खासकर मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं। नीट एग्ज़ाम दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम माना जाता है, बस की नहीं है निकालनी, कहाँ से जब बाल इधर उधर नीचे करके बैठ रहे हैं, हर कैसा ही बातें मारने से नहीं निकलता नीट एग्ज़ाम, पढ़ाई से निकलता है। मॉस्को जाके पढ़ के आ गए वो, तो तुम चले गए दुनिया थोड़ी ना जा पाएगी, बेचारे जो गरीब घर में बैठे हुए जो फालतू में हैं, वो कैसे चले जाएंगे दुनिया में, वो तो नीट ही निकालेंगे ना, लेकिन तुमने निकालने नहीं दोगे, पढ़ेंगे कहाँ से, जब उन्हें 6 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, साले वो 10 घंटे टिकटॉक पे ही लगे हुए हैं, सबको टिकटॉक एज ए करियर लेके बैठे हो, टिकटॉक जस्ट ऐप है, उसको करियर बना लिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, सब छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, बस टिकटॉक करेंगे। पाउडर उड़ाने से, पानी गिराने से नहीं बनते, फेमस नहीं होते, समझो बात को। अभी आज 10th का रिजल्ट भी आया, मैंने देखा हुआ है लोगों के 300 out of 300 हैं, लेकिन कौन से कहाँ से आए, जो लोग गांव से थे ज़्यादातर, जो मैंने मध्य प्रदेश की बात करूँ तो सतना, भिंड मुरैना, सीधी, ग्वालियर, गुना, यहाँ से लोगों के नंबर आए, भोपाल से आए बस 360 में से मुश्किल से 10 लोग नहीं आए होंगे मेरिट में, वो भी नीचे के नंबर की बात कर रहा हूँ, जो 10-15 नंबर पे थे। पढ़ने से मतलब ही नहीं रखा ना, क्योंकि भाई तुम कूल डूड हो, भोपाल ही हो, तुम्हें तो बहुत पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हें तो घूमना फिरना है, और पढ़ाई से क्या करना है, टिकटॉक बनानी। 10 से 15 बच्चे भी नहीं आए पूरे भोपाल के, और यहाँ पे पूरी फैसिलिटी कोचिंग से लेके स्कूल से लेके दुनिया भर के, और जो गांव के लोग 300 out of 100 में से 100% लेके आ रहे हैं, उनका कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं, इसलिए वो नंबर लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरा पूरा सब टाइम एक ही चीज़ है कि बस पढ़ाई करनी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि उनके पास नहीं फालतू की चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि उनके पास फालतू की चीज़ें थी नहीं, तुम्हारे पास एक फालतू की चीज़ें थी, इसलिए तुमने वो सब काम करा। सो गाइस, यहीं से मैं इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि फालतू के चोचले बंद करें और चीज़ों पर फोकस करें और समझें बात को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yo, yo, microphone check, we get a microphone check, give it a